सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी दिखाई दे रही है। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करती हूँ ओके कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो सर आप बोलिएगा, ठीक है? हाँ, जी। डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लेट्स ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली, ओके? नाउ आई शो यू अ वन पिक्चर, सो प्लीज सी लुक at the picture carefully and give me answer, okay? Yeah. Here is a picture. सब तस्वीर देंगे, तस्वीर में सबको दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ. What do you see in this picture? Tell me, student. What do you see in this picture? आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? लड़का लड़की खड़े हैं। वेरी गुड, यू सी सम चिल्ड्रन नाउ। आई विल एक्सप्लेन। वेरी टेबल टेबल, वेरी गुड। यू सी सम चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर। बोर्ड, एज यू कैन सी, प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट। स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, नाउ यू सी सम चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट एवरीवन हैव टू फ्लावर्स इन दैट हैंड्स। सबके हाथ में क्या है? दो दो फूल है कि नहीं है? देन टोनी, सोनू, सलमा, जॉन, नंदू, they all have a two flowers in their hand. अब ये लोग ने जो फूल लाए हैं, अब माहौल काय का है? स्कूल का। अपने को आप क्या दिखाई दे रहा है आपको आसपास? स्कूल दिख रहा है, टेबल है, चेयर्स है, ब्लैकबोर्ड है। तो ये, हाँ, ये फूल वो लोग अपने खुद के लिए तो लाए नहीं होंगे, सही सी बात है। आप भी फूल लेके जाते हो ना स्कूल? जाते हो कि नहीं जाते हो? कभी कभी लेकर जाते हो? हाँ, वेरी गुड। आप लोग लेकर जाते हो, तो ये बच्चे फूल अपने लिए तो लाए नहीं है, तो ये लोग किस लिए लाए हैं? कंसिडर दैट टुडे इज द टीचर्स डे एंड दे ब्रॉट लवली फ्लावर्स फॉर दैट ब्यूटीफुल टीचर। वो लोग अपने टीचर्स के लिए क्या लेकर आए हैं? फ्लावर्स। जिस तरह आप टीचर्स डे के दिन टीचर के लिए फ्लावर्स वगैरह लेके जाते हो ना, उसी तरह ये भी क्या लेकर आए हैं? फ्लावर्स लेकर आए हैं। सारे बच्चों ने वो फ्लावर्स को सोनू के हाथ में दिया। सारे बच्चों ने क्या किया? ये जो फ्लावर्स है वो किसके हाथ में दिया? सोनू के हाथ में दिया। शी इज अ सोनू। सबने क्या किया? अपने जो सारे फ्लावर्स थे वो सोनू के हाथ में दिया। सोनू टाइड देम टुगेदर एंड शी मेड वन बुकेट। एंड उन्होंने दिया फ्लावर क्लास की तरफ से टीचर को प्रेजेंट किया, जिस तरह आप देते हो ना टीचर्स डे में गिफ्ट टीचर को, फूल देते हो। हाँ, उसी तरह सोनू ने क्या किया? उसका एक बुकेट बनाया और उसको किसको दिया? टीचर को। क्लास के जाने से उसने टीचर को दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर? टेल मी, टुडे इज अ टीचर्स डे ना, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? हाँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में? मिस लिख रही है। टीचर? हाँ, टीचर है। टीचर, हाँ, ओके। द टीचर टुक द बुकेट। टीचर ने क्या लिया? हाँ, टीचर ने क्या लिया? बुकेट ले लिया। हाँ, राइट, वेरी गुड। कैन यू टेल मी, हाँ टेल मी, कैन यू टेल मी ऑल टुगेदर हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन बुकेट? अभी आपने देखा ना टीचर को बच्चों ने क्या दिया? बुकेट दिया। तो इस गुलदस्ते में कुल कितने फूल हुए, क्या आप बता सकते हो? टेन, वेरी गुड। देयर आर फाइव स्टूडेंट एंड ईच स्टूडेंट गिव्स टू फ्लावर्स, सो इट्स बिकम 10 फ्लावर्स। हाउ इज इट लाइक दैट? दैट्स मीन 2 plus 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 2 plus
times and adding them together, then we get the answer, right? Now, because how many children are there? There are 5 children, or everyone have 2 flowers.
So that's mean taking number 2 5 times and adding them together. So we get the answer 10. Student, don't you feel it so lengthy? क्या आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ा है? 10, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा मत, हाँ राइट, इट्स वेरी लेंदी. हाँ तो क्या हम एक मिरेकल से इसे आसान नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बना सकते हैं. हाँ, आज हम लोग इसको देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये बताना है राइट, एक बच्चे ने कितने फूल दिया है? चलो बताएंगे, टू फ्लावर्स दिया है. वन चाइल्ड गिव द टू फ्लावर्स, सो वी राइट हियर टू. फर्स्ट वी विल राइट टू, राइट. And how many children are there? Two. And how many children are there? वहाँ पे बच्चे कितने हैं? Five. Five. Then we write five. Okay. In between two or five, we put a sign of. हाँ right. We put the sign of multiplication. This is a sign of multiplication. अच्छा बच्चों, ये निशान आप और भी कहीं देखते हो ना, जब आपकी टीचर आपसे कोई सवाल करती है, आपका क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर चेक करती है, गलत है, पर ये गलत का निशान नहीं है. इट इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. हाँ, वी यूज इन द मैथ टर्म्स दिस साइन फॉर अ मल्टीप्लीकेशन. हाँ, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव, so we get 10. ये easy हो गया ना? हाँ, this is a very easy way. हाँ, right. This is a very easy way to calculate numbers. Everyone had understood now. So today we are going to learn. So today we are going to learn about multiplication. अभी इससे पहले हम लोग multiplication करने से पहले हम लोग एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी आपसे. देखो अभी हम मैंने जिससे पहले पिक्चर्स वगैरह शो की थी, उसमें बच्चे क्या कर रहे थे, टीचर को ऑन अ टीचर्स डे वो लोग गिफ्ट कर रहे थे. गिफ्ट में क्या दिए उन्होंने? फूल दिए. उन्होंने फूल दिए बट बहुत ही प्यार से दिए. क्यों दिए उन्होंने? टीचर्स डे में वो टीचर की इज्जत करते हैं, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए. इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों से इज्जत से पेश आना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए. मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? इससे हमें ये सबक मिलता है. अभी हम भी अपनी फेवरेट टीचर को गिफ्ट देते हैं ना, फूल देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी टीचर हमको बहुत अच्छी लगती है. और क्यों अच्छी लगती है? कि हमारी टीचर हमसे क्या करती है? प्यार और मोहब्बत से बात करती है. तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि जो बड़ों की इज्जत करता है वही दुनिया में सुरखुरु और कामयाब होता है. और टीचर भी और बच्चों से क्या करना चाहिए? हमें मोहब्बत और शफकत से पेश आना चाहिए ना. हाँ, तो अभी आप लोग मेरी बात मानोगे ना, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप माइक, हाँ जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप माइक ऑन करने का, आंसर देने का, देन बी यू म्यूट योर माइक. तब उसके बाद अपना माइक बंद कर दिया कीजिए. ठीक है, नाउ सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? ज़रब कहते हैं. ज़रब कहते हैं, वेरी गुड. मल्टीप्लीकेशन को उर्दू में हम क्या कहते हैं? ज़रब कहते हैं. हाँ, अब ज़रब की साइन कैसी होती है? क्रॉस होती है. दैट मीन्स दिस इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नहीं, ये गलत नहीं है. This is a sign of multiplication. In math terms, we use this sign for a multiplication. Okay? अभी देखो ये multiplication तो है, लेकिन बहुत सारे mobile अभी update नहीं है, computer update नहीं है, तो ये multiplication अभी, क्योंकि देखो online study चल रही है, तो रोज हमको ये multiplication plus मतलब addition, the sign of addition, the sign of subtraction use करना पड़ता है. तो लैपटॉप वगैरह जो अपडेट नहीं हुए हैं, तो उसमें जो साइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन साइन शो नहीं करता है. तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसकी जगह पे एक दूसरी साइन यूज की जाती है, जो हमारे कीबोर्ड पर नजर आती है, वो क्या होती है? स्टार होती है. कुछ लैपटॉप में और कुछ फोन्स में अभी यही साइन यूज की जाती है एज अ मल्टीप्लिकेशन. दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू. हाँ, देखते हो ना आप लोग अपने मोबाइल में, अभी घर जब लेसन एंड होगा ना, तो आप अपने मोबाइल में चेक करना
या आपके मोबाइल या लैपटॉप में कौन सी साइन शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है या स्टार कर रहा है. ओके, लेट अस व्हाट इज अ मल्टीप्लीकेशन, लेट अस सी व्हाट इज अ मल्टीप्लीकेशन. अब हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट इज अ मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर को उसी नंबर में बार बार जमा करने के अमल को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द आंसर वी गेट इज कॉल्ड product. There are two numbers as show on the screen, right? Then one is a 8 and another is a 6, right? One is a 8 and another is a 6. मतलब यहाँ पर है हमें 8 नजर आ रहा है और 6 नजर आ रहा है. उसको क्या किया गया है, एक दूसरे से जरब किया गया है और आंसर हमें क्या मिला है उसका 30. आंसर हमें क्या मिला है उसका 30 मिला है. हाँ, वेरी गुड. Now 30. We get 30. We multiply 8 by 6. Then we get the answer 30. Then here 8 is a multiplicand. 8 is a multiplicand. Multiplicand means होता है जिससे जरा जिसको जरब दिया जाता है, जिसको क्या किया जाता है, जरब दिया जाता है. इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेंट कहते हैं. हाँ, मल्टीप्लीकेंट. ओके, और उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, मजरूब कहते हैं. क्या कहते हैं उर्दू में से, मजरूब कहते हैं. वेरी गुड. अभी 6, अब अनदर नंबर इज 6. हियर 8 इज मल्टीप्लाई बाय 6. सो अब 6 को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर. 6 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर मतलब जिससे जरब किया जाता है, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 6. सो मल्टीप्लायर इज अ 6. और उसमें हम क्या कहते हैं, जारिब कहते हैं. क्या कहते हैं, जारिब कहते हैं. जारिब, राइट. व्हेन वी मल्टीप्लाई 8 एंड 6 देन द आंसर वी गेट 30. हमको आंसर क्या मिला, 30 मिला, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ये हम इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. जब मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है, सो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. देखो, आप लोग एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, राइट. हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है, जब आंसर हमारा राइट होता है, आपको बहुत खुशी होती है. होती है कि नहीं होती है, सबको होती है. यस. हाँ, तो आप लोग उसको क्या कहते हैं, आंसर कहते हैं. हाँ, बट इन अ मल्टीप्लीकेशन, जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसमें जो हमें आंसर मिलता है, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसमें हमें जब आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. हाँ, हियर वी हम क्या कहेंगे, 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 8 एंड 6. और प्रोडक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, हासिले जरब कहते हैं. मतलब वेरी गुड. नाउ मीट योर माइक बच्चो. लेट अस ऑब्जर्व अनदर पिक्चर. ओके, देन यू सी द पिक्चर. कैन यू सी द पिक्चर. अभी आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, यस यू कैन सी. हाँ, यू कैन सी. वेरी गुड, वेरी गुड. यू कैन गर्ल एंड बॉय. माइक प्लीज म्यूट योर माइक. You can see two innocent and sweet children. Orange. Orange. Orange is there, right? अभी हम लोग आगे. हाँ, now mute your mic. You can see two innocent and sweet children, namely Abhi and another name is Sana. मतलब एक बच्चा का नाम क्या है, Abhi है, और दूसरे का नाम क्या है, Sana है. Okay? Sana. You can see two innocent and sweet children, namely Abid and Sana. इसमें एक बच्चे का नाम आबिद है और दूसरे का नाम क्या है, Sana है. इसका नाम क्या है, आबिद है, और इसका नाम क्या है, Sana है. ओके, अभी फर्ज कीजिए Sana के पास संतरे की एक टोकरी है. Sana के पास क्या है, एक संतरे की टोकरी है. आपको दिखाई दे रही, हाँ आपको दिखाई दे रही है ना. तो Sana के पास क्या है, एक संतरे की टोकरी है.
जिसमें से आबिद ने चार चार संतरे पांच मर्तबा लिए। आबिद ने चार चार संतरे कितने बार लिए? पांच मर्तबा लिए। सो हाउ मेनी रोज आर देयर? अभी आपको संतरे नजर आ रहे हैं ना, यू कैन सी द ऑरेंजेस राइट? हाउ मेनी रोज आर देयर? सो वी विल काउंट देम। ओके, अभी हम लोग काउंट करेंगे कितनी रोज है। रोज मीन्स होता है ये वन लाइन एंड सेकेंड इट कॉल आर रोज। तो हाउ मेनी रोज आर देयर? We will count them, okay? Then 1, 2, 3, 4, and 5. There are how many rows are there? There are 5 rows. So five. In a one row, that means in a one row, right? You can see how many oranges you can see in the one row. Four oranges. Splendid. You are correct. आप सही बोल रहे हो एकदम। कितने ऑरेंजेस हमको नजर आ रहे हैं? फोर ऑरेंजेस इन वन रो। ओके करेक्ट। यहाँ पर एक रो में कितने संतरे हैं? चार संतरे हैं। इसी तरह पांच रो हैं, तो हम इसे कैसा लिखेंगे? चार जरा पांच को हम क्या लिखेंगे? चार जरा पांच। इन इंग्लिश वी कैन राइट इट, यस वी कैन राइट इट इन 4 × 5। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 4 × 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये टेबल। लेट अस डू इट द मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके? बट स्टूडेंट रिमेम्बर दैट फॉर डूइंग मल्टीप्लीकेशन इट इज वेरी नेसेसरी टू बाय हार्ट टेबल्स। अगर आपको पहाड़े ही याद नहीं होंगे तो आप जरब का अमल कैसे करोगे? सो इसके लिए पहाड़े याद करना बहुत ही जरूरी है। नाउ वी रिपीट, ओके? सब पहाड़े याद करेंगे ना? चलो नाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, चार का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है? चार का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है? पांच तक पढ़ना है। तो चार का टेबल हम कैसे पढ़ेंगे? पांच तक। तो हाँ, फोर वन जा चार का पहाड़ा पांच तक पढ़ेंगे। चार एक का चार, चार दुनी आठ, बारह, चार चौक फोर फाइव ट्वेंटी। सो वी विल राइट 20। ट्वेंटी। ओके, बच्चों आपको मजा आ रहा है ना? चलो इसके आगे हम लोग नई मिसाल देखेंगे। ओके, तो थी ना देखने, ये नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? देयर आर सम चिल्ड्रन स्टैंडिंग बिहाइंड द टेबल एंड सम लेमन सम एंड हियर आर सम लेमन ऑन द टेबल। ओके, ऑन द टेबल हियर टू रोज। हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर टू रोज ऑफ लेमन्स, राइट? यहाँ पर दो लाइन क्या है? दो रो है। इसकी है लेमन रखे हुए हैं टेबल पर, उसकी दो रोज है। सो वी विल राइट 4 फर्स्ट। हाउ मेनी लेमन्स इन वन रो? टेल मी स्टूडेंट। 4। हाउ मेनी? नहीं, अब हम लोग इसको गिनेंगे। देखो 1, 2, 3. How many lemons in one row? There are 4 lemons in one row. So we will write 4 first. इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 4. अभी हम लोग कौन सा अमल कर रहे हैं? We can do क्या कर रहे हैं हम? Multiplication. So here put the sign of multiplication. Okay. How many rows are there? यहाँ पर कितनी रो हैं? 1 and 2. How many rows are there? There are two rows. 1 and 2. There are 2 rows. So we will write 2. Okay. So multiply by 4. Multiply 4. Multiply by 2. So what we get? 4 ka table hum log padhenge. 4 ones are 4. 4 twos are 8. So we will write here 8. हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे. In Urdu. Urdu में हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे? चार जरब दो क्या बनेंगे? तो चार जरब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? जरब बोलते हैं। बच्चों प्लीज म्यूट योर माइक। इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? जरब कहते हैं। और
इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं. दिस साइन इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लाई. और उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, ज़रब कहते हैं. यहाँ पे चार ज़रब दो बराबर आठ, तो क्या आया, चार ज़रब दो बराबर आठ आया. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, हियर आर सम गुआवास, राइट. There are some guavas on the table. Okay? आपको नजर आ रहा है ना, इसमें क्या है, कुछ अमरूद वगैरह रखे हुए हैं, राइट. हाउ मेनी गुआवास इन वन रो, हाउ मेनी गुआवास इन वन रो, लाइक वन टू फोर. देर आर फोर गुआवास इन वन रो. हाँ, सो वी विल राइट फोर फर्स्ट. क्या लिखेंगे हम लोग, पहले फोर लिखेंगे, राइट. विच साइन वी पुट हियर, we doing a multiplying na, so multiply 3 and now multiply 3 by 3. How many rows are there? 1 2 3. So we will write here 3. There is a 4 multiply by 3. What we get 4 multiply by 3? Tell me student. 12. So we will write here 12, okay? Like in Urdu, हम लोग इसको उर्दू में कैसा लिखेंगे, चलो बताएंगे. बारह. देखो ऐसा लिखेंगे, वेरी गुड. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. अभी आपको स्लाइड पे क्या नजर आ रहा है, What we see here, हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, सारे मैंगो. मैंगोस. आप सबको मैंगोस पसंद है ना, राइट. सो हाउ मेनी मैंगोस इन वन रो, अभी दिखाई दे रहे आपको, हाउ मेनी मैंगोस इन वन रो. देयर आर फोर मैंगोस. प्लीज स्टूडेंट म्यूट योर माइक. प्लीज स्टूडेंट म्यूट योर माइक. अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज. Very good. How many mangoes in one row? There are 4 mangoes in one row. How many rows? Now we count the rows, okay? Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many rows are there? There are 10 rows. So we will write 4 multiply by 10. क्या लिखेंगे हम लोग, 4 multiply by 10. अब उर्दू में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 ज़रब 10. वेरी गुड. पहाड़ा, अगर हम लोग 4 का पहाड़ा 10 तक पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 4 दहाई 40. हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 लिखेंगे. वेरी गुड. और इन इंग्लिश कैसे हम लिखेंगे, 40, 4 0 40, राइट. Have you understood? Yes, teacher. Next slide. Now we will see the next slide. Here some children are standing behind the table, right? They all have a ball. इनके पास क्या है? सबके पास गेंद है, right? Then how many balls they have? Question क्या है हमारा? How many balls they have? इनके पास कितने balls है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट. 12. राइट. हाउ मेनी बॉल्स डज अ चाइल्ड है? एक चाइल्ड के पास कितने बॉल है, चलो बताएंगे सब. 3. राइट. एक स्टूडेंट के पास 3. एक स्टूडेंट के पास, हर एक के पास कितने कितनी बॉल्स है, 3. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? There are 4 children. So we will write 4, right? Which sign we put here? We put this sign by multiplication. Multiplication, right? 3. We put the sign of multiplication. How many balls does a child have? एक बच्चे के पास कितनी गेंद है? 3. 3. एक बच्चे के पास 3. सो हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट, वी राइट द 3. 4 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हाट वी गेट,
What we get? 12. We get 12, right. हाँ उर्दू में हम इसको कैसे लिखेंगे? चार जरब तीन बराबर बारह. हाँ let us see the next slide. ओके इसको आपको सॉल्व करना है. ओके अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है ना? नो नाउ ओके अभी नजर आ रहा है आपको? हाँ मैं भी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको सुनना है क्वेश्चन को. ओके सिक्स मैंगो इन ईच बास्केट, हाउ मेनी मैंगोज इन थ्री बास्केट. एक टोकरी में अगर छह आम है तो तीन टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है. ओके नाउ वी विल सॉल्व दिस. हाउ मेनी ओके हाउ मेनी बास्केट आर देयर? हाउ मेनी बास्केट? वन वन टू थ्री. हाउ मेनी बास्केट आर देयर? There are three baskets. So we will write three first. Have you understood? Which sign we have? Which sign we put here? Multiply. Sign of multiplication. Right. And how many mangoes in one basket? How many mangoes in one basket? There are six mangoes in one basket. So we will write six. Okay, right. And six multiply by three multiply by six. But हाँ six का table हम three का table हम लोग six तक पढ़े. यहाँ पे एक चीज और है आपको, है ना? एक चीज और है हम लोग को table करना है. Please mute your mic. Student please mute your mic. मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, इसमें एक miracle भी बता रही हूँ, आप जरा देखेंगे. यहाँ पे हम लोग को multiply करना है. जैसे हम लोग थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स. यहाँ पे एक चीज और है, अगर हम थ्री का टेबल सिक्स टाइम भी पढ़ते हैं तब भी आंसर 18 आएगा. अगर हम छह का पहाड़ा तीन तक पढ़ते हैं तब भी जवाब कितना आएगा? 18 ही आएगा. तो ये क्या है? मिरेकल है. अगर हम लोग कभी मैथ्स में हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर एडिशन सॉल्व करते हैं, एडिशन अगर ऊपर से करते हैं डाउट कैरिंग वाला, हाँ विदाउट हासिल मतलब बगैर हासिल वाली अगर हम जमा करते हैं, अगर हम ऊपर से करते हैं नीचे से करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है. लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर हम लोग नीचे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग रहेगा. लेकिन मल्टीप्लीकेशन में एक मिरेकल है, जादू है. कैसे? अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए दो नंबर्स दिए गए हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स, अगर हम थ्री का टेबल पढ़ते हैं सिक्स टाइम्स तो भी आंसर 18 आएगा. और अगर हम छह का पहाड़ा तीन तक पढ़ते हैं तब भी जवाब कितना आएगा? 18 आएगा. राइट सो वी विल राइट हियर 18. इन उर्दू वी लाइक दैट तीन जरब छह बराबर 18. ओके हैव यू अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? अभी मैं आप लोगों से सम क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? आई विल आस्क सम क्वेश्चन. आप लोगों को हाँ जवाब देना है, ठीक है? You see the slide here? हाँ, right? Two multiply by three, right? Two multiply by three. That means we read the table of two. Six. Answer क्या आएगा? Six. So we will write here six. Have you understood? हाँ. Then next question. The next question here, 5 multiply by 4. In this question, which table we will read? 20. 5 for 30. 20. So we will write here 20. 20. Right? The next question. 7 multiply by 6. 7 ka table aata hai. In this table, which table we will read? 42. 7 1 is 7. 7 is 14. 21. 7 4 is 28. 7 5 is 35. 7 6 is 42. यहाँ पर अगर हम लोग सात का पहाड़ा कर पाते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 42 आएगा. कितना आएगा आंसर? 42 आएगा. इसके बजाय अगर हम लोग छह का पहाड़ा भी पढ़ते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6
सिक्स फोर जा क्या है ना, सिक्स फोर जा 24. वेरी गुड 24. सिक्स फाइव जा टेबल याद रहेगा तो 30. टेबल याद करना. सिक्स सिक्स जा 36. 36. सिक्स सेवन जा 42. हमने यहाँ पे 7 का टेबल पढ़े तब भी आंसर क्या आया 42 आया. 6 का टेबल पढ़े तो भी आंसर क्या आया 42 आया. सो वी विल राइट हियर 42 देन 4 एंड 2. राइट स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया है ना? अभी देखो ये हमने पूरा लेसन पढ़े. हाँ अभी यहाँ पर हमने पूरा लेसन पढ़े. सबसे पहले हम लोग लेसन से हम लोग ने क्या सीखा, सब लोग अपना माइक म्यूट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ ठीक है. जिस तरह अभी हम लोग रोज इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, तो उसमें जो भी चीजें हम देते हैं, अगर हम रोज सदका करते हैं, अगर हमने रोज 1 रुपया सदका किया तो अल्लाह ताला उसका अजर हमको कितना देता है, उसके 10 गुना देता है. कितना देता है? 10 गुना देता है. हाँ, उसके बरक्स अगर हम रमजान में वो इबादत करते हैं, तो रमजान में हम जब इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला जैसे कुरान शरीफ का अलिफ, जैसे अलिफ लाम मीम, अगर हमने सिर्फ एक अलिफ पढ़ा तो उसको हमें कितना मिलता है? 70 गुना मिलता है. और हम लोग रोजाना जो इबादत करते हैं उसमें हमने अलिफ पढ़ा तो उसका क्या होता है? 10 गुना होता है. तो इस सबक से हमें मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुना करना. यहाँ पे क्या होता है? 60 कितने गुना है? 6 गुना है. तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरह इसे हमें इस सबक से हमें क्या मिलता है, क्या तालीम मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, क्योंकि इसके हमें क्या मिलता है? 10 गुना. रोजाना अगर इबादत करेंगे तो 10 गुना मिलता है. रमजान में अगर हम एक हर्फ पढ़ते हैं, जैसे अलिफ पढ़ते हैं, तो उसका कितना मिलता है? 70 गुना मिलता है. ओके, नाउ हियर योर लेसन विल बी कंप्लीटेड. डू यू हैव एनी क्वेरी? प्लीज आस्क मी. अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो. कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. उसके बाद फिर ये होमवर्क है, इसको आपको अपनी बुक में लिखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है. समझ में आया सबको? हाँ, तो अभी आपको कुछ पूछना है लेसन के ताल्लुक से? थैंक यू मिस. हाँ, मतलब आपको कुछ पूछना है कुछ?